हम मक्का मदीना में तो राम मंदिर बनाने नहीं जा रहे हैं, हम अयोध्या में जा रहे हैं, इसलिए अयोध्या में राम मंदिर सभी चाह रहे हैं, सभी वर्ग चाहता है राम मंदिर बने। मुसलमान तो ये चाहता है कि देश का जो है हिंदू मुसलमान एक साथ रहे, नफरतों में ना बटे, और मंदिर मस्जिद में बट के वो देश का भी नुकसान हो रहा है और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और राम मंदिर था और राम मंदिर है और वहाँ पर हल जल्दी आएगा, दोनों पक्ष मिल के इसका समाधान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसको भी मानेंगे और पूरे देश में सारे मुसलमान मानेंगे, जो नहीं मानेगा वो इस देश का देशद्रोही है, वो आतंकवादी है। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। 2019 के चुनावी माहौल के बीच एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा सुर्खियों में छा गया है। लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मुद्दे पर 26 फरवरी को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि दोनों पक्षकार बातचीत का रास्ता निकालने पर विचार करें। अगर 1% भी बातचीत की गुंजाइश है तो उसका प्रयास होना चाहिए। आइए लखनऊ की जनता से जानते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर क्या सोचती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पता है ये आस्था का विषय, जस्टिस बोबडे ने कमेंट किया, हमें पता है ये आस्था का विषय है और लोगों की भावनाएं इसमें जुड़ी हुई हैं और इसीलिए हम सब सोच समझ के एक प्रयास कर रहे हैं कि मैटर मीडिएशन के भेजा जाए, जिसपे हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था कि ऑर्डर 1 रूल 8 सब क्लॉज 4 के तहत पब्लिक नोटिस जारी करनी है और पब्लिक के हर एक आदमी को बुलाना पड़ेगा मीडिएशन के लिए, जिसकी वजह से केस डिसाइड करने में बहुत देरी होगी, इसलिए इस मामले को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया कि अगर हम फैसला देते भी हैं तो सबको मान्य होगा या नहीं होगा, जिसपे हमने कहा सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया कि क्या अगर हम फैसला देंगे सबको मान्य होगा, जिसपे हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोविजन दिखाए सीपीसी के, जिसके तहत अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा तो वो सारे पक्षों पे बाइंडिंग होगा। क्या जनता भी चाहती है कि लंबे समय से चले आ रहे इस मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए? ने जो कहा है कि दोनों पक्षों को बैठकर आपस में मसले को सुलझा लेना चाहिए। देखिए, हमें लगता है कि मुस्लिम पक्ष भी चाह रहा है कि राम मंदिर बने, जो उनके कुछ जो उनके धर्म गुरु हैं, कुछ जो मतलब मुस्लिम है, एक पक्ष जो पूरा चाह रहा है कि राम मंदिर के निर्माण हो, क्योंकि वो हम मक्का मदीना में तो राम मंदिर बनाने नहीं जा रहे हैं, हम अयोध्या में जा रहे हैं, इसलिए अयोध्या में राम मंदिर सभी चाह रहे हैं, सभी वर्ग चाहता है राम मंदिर बने। ये सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये पहली बार नहीं कहा है, इससे पहले भी कहा था, मगर ये फैसला जो है लोग मानने को तैयार नहीं है, ख़ास तौर से वो जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, जो सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, नफरतों में देश को दो समुदाय में बांटना चाहते हैं, वो लोग नहीं चाहते। मुसलमान तो ये चाहता है कि देश का जो है हिंदू मुसलमान एक साथ रहे, नफरतों में ना बटे, और मंदिर मस्जिद में बट के वो देश का भी नुकसान हो रहा है और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हम ये चाहते हैं जो कोर्ट ने फैसला दिया है हम लोग सबको उसको मानना चाहिए और आपस में बैठ के बेशक उसको समझौता करना चाहिए, क्योंकि जिस देश में नफरत इंतशार बगावत रहेगी वो देश तरक्की नहीं कर सकता। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे मुसलमान भाइयों के, हिंदू भाइयों के, वो एक साथ, एक गंगा जमनी तहजीब के एक साथ रहें, ये मंदिर मस्जिद में बटे ना आपस में। बहुत अच्छा फैसला है और मुसलमान ये फैसला मानने को तैयार हमेशा रहता है। 2010 में भी उन्हीं ने, हाशिम अंसारी मरहूम ने कहा था कि हम न्यायालय नहीं जाएंगे, जब दूसरा पक्ष किया तो जाहिर सी बात है कि हाशिम अंसारी को भी जाना पड़ा। ये बहुत अच्छा फैसला है। चुनाव से अभी चुनावी मुद्दा ना हो जिसमें अभी कोर्ट का फैसला आया तो बहुत से लोग कोर्ट के खिलाफ ही शुरू हो जाते हैं, इससे भी नज़र रखने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा फैसला है, हम स्वागत करते हैं, मगर इस फैसले को आपसी कैसे तय किया जाएगा, कोर्ट ने तो कह दिया, इस पर भी हम लोगों को विचार करना होगा। इससे माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, जो कह रहा है दोनों पक्ष को, और इससे उम्मीद है आज के दिन में माननीय मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, तो इससे लगता है पहले से मुस्लिम पक्ष जो है वो भी कह रहा है कि यहाँ पर सहमत दिखाई दे रहा है, हमें लग रहा है इससे माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी द्वारा ये राम मंदिर का निर्माण जल्द होगा और इसके लिए हम लोग को दिखाई दे रहा है, और राम मंदिर था और राम मंदिर है और वहाँ पर हल जल्दी आएगा, दोनों पक्ष मिल के इसका समाधान हो सकता है। देखिए, आपस में बैठ कर सुलझा लेना बहुत अच्छी बात है, हम लोगों ने पहले भी इसका प्रयास किया था, मुस्लिम समुदाय की तरफ से प्रयास हुआ था, लेकिन हमारा वो समुदाय बजित था कि नहीं, हम तो कोर्ट में जाएंगे और हम पूरा का पूरा इसको लेंगे, पूरी ज़मीन लेंगे। अभी जस्टिस खेर रिटायर होने से पहले उन्होंने भी ये बात कही थी कि ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर, अदालत के बाहर आप लोग बैठ के इसका फैसला कर लें, बहुत अच्छी बात है। झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, फसाद किसी भी कौम के और किसी भी धर्म में अच्छी बात नहीं समझी जाती है। हम भी आज भी चाह रहे, पहले भी चाह रहे थे, जब 2010 में
हाई कोर्ट का फैसला आया था, हमने शांति मार्च निकाला था और उस वक्त भी ये बात कही थी कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा हम लोग मानेंगे, और हम लोग ने कोर्ट का फैसला माना जबकि वो फैसला गलत था। उसको तीन हिस्सों में बांट दिया गया, ज़मीन के बंटवारे की बात नहीं की गई थी, वहाँ पे हक मिल्कियत की बात थी कि ये ज़मीन है किसकी, लेकिन कोर्ट ने तीन हिस्सों में बांट दिया उसको, सीता रसोई को, निर्मोया अखाड़े को, एक बाबरी मस्जिद के लिए। तो वो फैसला कर, लेकिन उसके बाद भी हम लोग ने माना। और वो मरहूम हाशिम अंसारी जो इसके मुद्दई थे, वो सुप्रीम कोर्ट में जाने को उन्होंने मना किया कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन निर्मोया अखाड़े के जो महंत थे वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करने लगे और सुप्रीम कोर्ट गए और लोग भी गए वहाँ। तो अब हमारी मुसलमानों की मजबूरी हो गई कि हम भी सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना दफा करें। तो आज केस वहाँ चल रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहे आप लोग आपस में बैठ के फैसला कर लो, हम उसके लिए भी राजी हैं। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसको भी मानेंगे और पूरे देश में सारे मुसलमान मानेंगे, जो नहीं मानेगा वो इस देश का देशद्रोही है, वो आतंकवादी है। इस पे राय यही है कि मतलब आपस में सुलझ जाए तो और अच्छा है, जितने विवाद जो हो रही है वो सुलझ जाएगी। जैसे कि राम मंदिर के लिए और मस्जिद के लिए लोग लड़ रहे हैं, कोई कह रहा है मंदिर बने, कोई कह रहा है मस्जिद बने, तो ये फैसला हो जाए तो और अच्छा रहेगा, हमारे लिए बेहतर होगा। आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं कि मतलब फैसला, हाँ सुलझ जाए, हम लोग संतुष्ट हैं। बहुत अच्छी राय है इस पर, सबसे बहुत अच्छा उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जो इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और यही होना ही चाहिए कि दोनों लोगों को आपस में बैठ के ठीक है शांतिपूर्वक डिसीजन लेना चाहिए, जिससे समाज में शांति बनी रहे, भारत देश में अमनों का अमान कायम रहे, कोई लड़ाई झगड़ा कोई विवाद का माहौल ना पैदा होने पाए, क्योंकि वैसे ही आजकल जो अपना भारत देश है वो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है, चुनाव का माहौल है, ऐसे में अगर कुछ होता है तो इससे राजनीतिक पार्टियाँ जो है अलग अलग तरीके से अपना फ़ायदा उठाएंगी और इस माहौल को कैच करेंगी। तो मेरी तो राय यही है कि शांति से जितनी भी शांति से ये फैसला हो जाए, आपस में बैठ कर समझौता करके बात इसका हल निकाल लिया जाए, उतना ही अच्छा है। बहुत अच्छा एक तरीका है, इससे आपसी भाईचारा और सौहार्द बना रहेगा। यदि कोर्ट निर्णय करती है तो एक पक्ष में होगा, जिससे दूसरे पक्ष को इसमें दिक्कतें होंगी, इसलिए कोर्ट के जो ओपिनियन है उसमें मेरी पूरी सहमति है और हम भी चाहते हैं कि ये मसला जो है भाईचारे से और आपस में मिल बैठ करके सुलझाया जाना चाहिए। राम मंदिर पे देखिए, भगवान राम हमारे आराध्य हैं, अयोध्या जो है जन्मभूमि है, वो हिंदुओं की जन्मस्थली है और हमारे भगवान की जन्मस्थली है, वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय योगी जी भी चाह रहे हैं वहाँ राम मंदिर बनेगा, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम लोग को विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट जो है निर्णय देगा वो सही निर्णय दिया है और ये होना चाहिए और राम मंदिर बनेगा और निश्चित बनेगा, हमें माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी जी ऊपर पूरा विश्वास कि मंदिर का निर्माण होगा। इसमें न्यायपालिका के ऊपर बराबर हम लोग का विश्वास रहा है और वही लास्ट में होना, अगर सुप्रीम कोर्ट किया है तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है, जल्द से जल्द राम मंदिर बनवाने का कार्य करें। हम चाहते हैं तो एक अच्छी पहल है और अगर आपसी सहमति से ये कार्य हो जाता है तो ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा दोनों समाज, हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए। हम मक्का मदीना में तो राम मंदिर बनाने नहीं जा रहे हैं, हम अयोध्या में जा रहे हैं, इसलिए अयोध्या में राम मंदिर सभी चाह रहे हैं, सभी वर्ग चाहता है राम मंदिर बने। मुसलमान तो ये चाहता है कि देश का जो है हिंदू मुसलमान एक साथ रहे, नफरतों में ना बटे, और मंदिर मस्जिद में बट के वो देश का भी नुकसान हो रहा है और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और राम मंदिर था और राम मंदिर है और वहाँ पर हल जल्दी आएगा, दोनों पक्ष मिल के इसका समाधान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसको भी मानेंगे और पूरे देश में सारे मुसलमान मानेंगे, जो नहीं मानेगा वो इस देश का देशद्रोही है, वो आतंकवादी है। फुल्ली रिस्पेक्ट दी वेरी नाइस ऑफर बाय दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू यूज दिस 8-week इंटरवेंशन पीरियड ड्यूरिंग विच ऑल दी अदर डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी ड्यूली ट्रांसलेटेड फॉर द पार्टीज टू डायरेक्टली टॉक टू ईच अदर। In our opinion, we recognize the Sunni Central Waqf Board as the party which filed 2 years after we were the first to file and for in the title. So therefore, we would like to have direct discussions with them, may be monitored by the Honorable Supreme Court. In the second stage, all other parties who have filed in this case as worshippers or for their right to worship are free to enjoin this process. But at the initial stage, we only would like to have direct discussions with the Sunni Central Waqf Board. Justice Bobde also said that it's about the mind, heart and healing relationship.
उन्होंने शुरू में ही कहा था कि दो ब्रदरहुड नेशन में एक भाईचारा बना रहे और देश में गंगा यमुना तहजीब बनी रहे, इसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया था सेक्शन 89। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चांस है इस टाइम में कि इस मैटर को अच्छे ढंग से सॉर्ट आउट किया जाए, तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं मीडिएशन का।